Hello students, what's up? Today we'd learn about warehousing, a important topic about quality assurance. तो आज हम पढ़ाई करेंगे warehousing के बारे में. तो warehousing का importance क्या होता है quality assurance और quality control में. जैसे हमारे घर में store room होता है, तो जब भी हम कुछ सामान खरीदते हैं या जो भी कुछ सामान बाजार से लेके आते हैं उसको स्टोर करके रखते हैं, उसी तरीके से वेयरहाउसिंग किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तो एक स्टोर हाउस के रूप में काम करता है एज अ रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट के लिए. आइए पढ़ाई करते हैं वेयरहाउसिंग के बारे में. तो वेयरहाउस क्या होता है, एक ऐसा स्पेस होता है, एक ऐसा स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पे आप रॉ मटेरियल या फिनिश प्रोडक्ट दोनों को आप रखते हैं. तो जो भी पर्सन वेयरहाउस की मालिक होता है, जो उसके अंदर में वेयरहाउस पूरे काम करता है, तो उसको बोला जाता है वेयरहाउस कीपर. तो वेयरहाउस की वेयरहाउसिंग का डेफिनेशन देखते हैं. वेयरहाउसिंग रिफर टू द एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग स्टोरेज ऑफ गुड्स ऑन ए लार्ज स्केल इन ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली मैनर एंड मेकिंग देम अवेलेबल कन्वीनियंटली व्हेन नीडेड. तो वेयरहाउस एक ऐसा बिल्डिंग होता है, ऐसा स्पेस होता है एक प्लांट पे जहाँ पे आप सिस्टमेटिक मैनर में लार्ज स्केल में जो भी रॉ मटेरियल हो या फिनिश प्रोडक्ट रखते हैं और उसको जब भी जरूरत होता है आपके कन्वीनियंस के हिसाब से उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं. तो मूवमेंट कैसे होता है, तो रिसिप्टर ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो भी कुछ भी सामान आप इशू करना है तो उस पर लीगल अथॉरिटी, उसमें आपको पर्चा या किसी भी तरीके से आप जो वेयर हाउस कीपर से है तो आपको इशू करवाना पड़ेगा. तो इसको आप क्या करते हैं, वेयर हाउस से आप उस सामान को प्लांट को इशू करते हैं, प्लांट से प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट वापस वेयर हाउस में रखा जाता है, जब जरूरत होता है तब डिलीवरी किया जाता है. तो वेयर हाउस की वजह से हमें क्या होता है, रेगुलर सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, तो सप्लाई में कभी कमी नहीं होता है, क्वालिटी बना रहता है, स्टॉक ऑफ ट्रेड जब भी जरूरत होता है ट्रेडिंग के लिए अच्छा होता है, तो प्राइस स्टेबिलाइजेशन, तो जो भी प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होता है, कभी बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं होगा. सीजनल प्रोडक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सीजनल प्रोडक्ट को स्टोर करके रखने के लिए ज़्यादा जरूरत होता है, एक सीजन पे ही वो मिलता है. पॉरिसेबल गुड, जो आइटम जल्दी से डिटोरेट हो जाता है, थर्मल ऑयल कंपाउंड, इस तरह का प्रोडक्ट के लिए बहुत उपयोगी होता है वेयर हाउसिंग के लिए. तो वेयर हाउसिंग की वजह से ही हम लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर सकते हैं. क्विक सप्लाई होता है, जब भी सामान को होता है हम क्विकली पहुंचाते हैं कस्टमर तक. प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ग्रोथ, जो भी आइटम होता है हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं और प्रिजर्व करते हैं. ईजिली हैंडलिंग, तो जो भी आप सामान रखते हैं ईजीली उसको, क्योंकि आपके ही कन्वीनियंस के हिसाब से आप वेयर हाउस बनाते हैं, तो उसी हिसाब से ईजिली अवेलेबल, ईजिली हैंडलिंग आप कर सकते हैं. ठीक है, तो रॉ मेटेरियल के लिए होता है बेसिक रीजन ऑफ नीडेड ऑफ वेयर हाउस. तो कोई भी वेयर हाउस होता है रॉ मेटेरियल बेसिकली रखा जाता है, तो वर्क के लिए उसको इशू किया जाता है, तो कंज्यूम किया जाता है और प्लांट पे फिनिश प्रोडक्ट किया जाता है, तो जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है फिनिश गुड वो भी रखा जाता है, जब डिलीवरी के लिए उसको सामान को पहुंचाया जाता है. तो कैरेक्टरिस्टिकल आइडियल ऑफ, वही चीज होता है वेयर हाउस की बेनिफिट के बारे में अभी जो मैं बता रहा था. कन्वीनियंट लोकेशन, जहां पे भी वेयर हाउस होता है तो वो प्लांट की कन्वीनियंस के हिसाब से बनाया जाता है. तो जहां पे भी रहेगा एडिक्वेट स्पेस रहेगा अवेलेबल के लिए. अगर कोई मेटल थर्मल अवाइल है, मतलब टेम्परेचर के संस्पर्श में आने के बाद डिटोरेट कर सकता है, जैसे कि वैक्सीन हो गया, थर्मल अवाइल कंपाउंड, उसके लिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी जरूरत होता है. प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर द प्रोटेक्शन, जो भी अब हम मेटेरियल होता है प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं. सफिशेंट पार्किंग स्पेस अवेलेबल रहना चाहिए राउंड द क्लॉक, जो भी आप करेंगे फायर फाइटिंग के लिए, इक्विपमेंट के लिए भी आप उसको इस्तेमाल करेंगे. ओके, फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज ऑफ गुड, जो भी सामान होता है हम स्टोरेज करेंगे, प्रोटेक्शन करके रखेंगे, रिस्क कितना हम ले सकते हैं उसी हिसाब से देखते हैं. ओके, तो फिनिशिंग और प्रोसेसिंग, और वेयर हाउस कितने तरह का होता है एक एक करके हम पढ़ाई करते हैं. प्राइवेट वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस, गवर्नमेंट वेयर हाउस,
कोऑपरेटिव वेयर हाउस, बॉन्डेड वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस, एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड टाइप, क्लाइमेट कंट्रोल, फील्ड वेयर हाउस, एग्रीकल्चर वेयर हाउस। आइए एक एक करके डिफरेंट तरह का वेयर हाउस के बारे में थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते हैं। पहला होता है प्राइवेट वेयर हाउस। तो ये क्या होता है, तो खुद प्राइवेट कंपनी अपने हिसाब से अपने कंपनी प्लान के सॉलिड के हिसाब से खुद बनाते हैं। तो उसके लिए प्राइवेट वेयर हाउस के मालिक खुद मैनेजमेंट होता है, तो उसी हिसाब से इसका क्वालिटी और एफिशिएंसी बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए कोई फार्मर फिनिक्स प्रोडक्ट बनाना चाहता है तो वो अपने जो भी फील्ड के नियर वेयर हाउस बनाता है जिससे कि वो सामान बना पाएगा। तो कंपनी क्या करते हैं, स्टेबल इन्वेंटरी लेवल के लिए उसको वेयर हाउसिंग में तब्दीली कन्वर्ट कर देते हैं। सुइटेबिलिटी, तो अपने हिसाब से जब प्राइवेट बनाते हैं आप वेयर हाउस, तो अपने सुइटेबल कंडीशन के हिसाब से आप उसको बनाते हैं। तो प्राइवेट वेयर हाउस की वजह से बहुत ज्यादा फायदे रहता है कि बेटर कंट्रोल रहेगा और चांसेस ऑफ एरर होने की चांस बहुत कम होता है। तो डिजाइनिंग इज डन अकॉर्डिंग टू सुइटेबिलिटी ऑफ द ओनर, तो जैसे आप चाहें उसी हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं वेयर हाउस की। पब्लिक वेयर हाउस, तो पब्लिक वेयर हाउस मतलब पब्लिक के लिए बनाया होता है। जनरली इसकी जो मेन मास्टर रहता है, मेन लीगल एजेंसी रहता है, गवर्नमेंट ही रहते हैं। तो स्मॉल फार्म, लार्ज फार्म, तो इस तरीके से इंडिया में क्या होता है, वन और ऑफ सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एंड स्टेट वेयर हाउसिंग, ये सब पब्लिक वेयर हाउस में जाता है। पब्लिक वेयर हाउस में गवर्नमेंट इसके लिए ओनरशिप रखता है, तो इसी वजह से तो ये मोर एफिशिएंट रहता है, लेस एक्सपेंसिव रहेगा, ज़्यादा प्राइस खर्चा नहीं होता है, बस आप जो किराया है उसी हिसाब से दे के सामान अपना रख सकते हैं। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट वेयर हाउस ही हम पब्लिक वेयर हाउस को बोल सकते हैं, वही पार्ट है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक कॉरपोरेशन, लोकल अथॉरिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस तरीके से कोऑपरेटिव वेयर हाउस, वेरियस कोऑपरेटिव सोसाइटी इस वेयर हाउस को मालिकाना रखते हैं, जैसे कि पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इस तरीके से कोऑपरेटिव वेयर हाउस होते हैं। बॉन्डेड वेयर हाउस, तो इसके लिए हाईली लाइसेंस और लीगल अथॉरिटी चाहिए, जैसे कि नार्कोटिक प्रोडक्ट और सिगरेट, लिक्वर, इस तरह का प्रोडक्ट के लिए हमें बॉन्डेड वेयर हाउस की जरूरत होता है। तो इसके लिए हाईली सिक्योरिटी और अथॉरिटी चाहिए जिसको कंट्रोल कर पाएंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर वेयर हाउस, तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कोई भी प्रोडक्ट को मूवमेंट करने के लिए, मान लीजिए आपकी मेडिसिन के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तो फैक्ट्री से दवाई बनता है उसको होलसेलर तक पहुंचाया जाता है, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचता है, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर या रिटेलर से कंज्यूमर तक सामान पहुंचाया जाता है। कभी कभी क्या होता है, बड़े बड़े जो कंपनी होते हैं या फैक्ट्री होते हैं उनमें से लार्जली डिस्ट्रीब्यूटर खुद ही सामान उठाते हैं कंज्यूमर तक, नो इंटरमीडिएट रिटेलर या होलसेलर रहता है। जैसे कि ई कॉमर्स, मान लीजिए अमेजन, फ्लिपकार्ट, वो डायरेक्ट फैक्ट्री से सामान उठाते हैं और कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। तो वो जो सामान को रखते हैं उनका वेयर हाउस को हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस के रूप में हम करेंगे। तो इसमें लार्ज स्केल पे काम किया जाता है, लार्ज एंड हाईली ऑटोमेटेड मशीन लगा होता है, रिसीव गुड्स फ्रॉम वेरियस प्लांट एंड सप्लायर, जो भी जैसे मैं बताया जा रहा था आपको। तो ई कॉमर्स की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को, वेयर हाउस को आप इस कैटेगरी में ले सकते हैं। उसके बाद कोल्ड स्टोरेज, कुछ प्रोडक्ट होता है जो टेम्परेचर के हिसाब से या ज़्यादा गर्मी में खराब हो सकता है एनवायरमेंट कंडीशन के हिसाब से, जैसे कि वैक्सीन, सीरम, इस तरीके से ब्लड प्रोडक्ट, इस तरीके से प्रोडक्ट को आप क्या कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज कंडीशन रेफ्रिजरेटर की जरूरत होगा। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वेयर हाउस, ये स्पेशल वेयर हाउस होता है जहां इंटरनेशनल ट्रेड इज अंडरटेकन। तो इंटरनेशनल ट्रेड, मान लीजिए इंडिया सप्लाई कर रहा है ग्लोबली, आप जानते हैं जैसे कि कुछ मेडिसिन कोरोना वायरस की वजह से, ठीक है, तो एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक्स और हाइड्रोक्लोरोक्विनिन, ये दवाई क्या होता है, कोरोना वायरस के लिए जरूरत होता है, तो ये इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इस तरीके से वेयर हाउस को जो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइज ट्रेड सेंटर के पास रहता है तो उसको बोला जाएगा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वेयर हाउसेस।
उसके बाद क्लाइमेट कंट्रोल वेयर हाउस, आपको सबको पता है कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी डायरेक्ट सनलाइट के संस्पर्श में आने के बाद मेडिसिन जो होते हैं जल्दी से डिटोरेट होते हैं, तो उसी तरीके से क्लाइमेट से बचाने के लिए जो वेयर हाउस बनता है तो उसको बोला जाता है क्लाइमेट कंट्रोल वेयर हाउस। फील्ड वेयर हाउस, तो इस तरीके से पब्लिक वेयर हाउसिंग एजेंसी जो होता है फील्ड पे काम करता है, तो बैंक पे जैसे लॉकर होता है उस तरीके से फील्ड वेयर हाउस। एग्रीकल्चर वेयर हाउस, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए आप एग्रीकल्चर वेयर हाउस करते हैं। तो जो भी वेयर हाउसिंग हम बनाते हैं, वेयर हाउस कंपनी बनाते हैं, उसके लिए कुछ स्ट्रैटर्जी होता है। तीन तरीके से हम स्ट्रैटर्जी उसको रखते हैं। पहला होता है एबिलिटी ऑफ गुड्स टू कंज्यूमर, जो भी दवाई हम बनाते हैं तो कंज्यूमर की नीड के हिसाब से हम उसको जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो कितना दवाई या कितना रॉ मेटेरियल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे, तो वेयर हाउस से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए नहीं, किसी भी इंडस्ट्री के लिए काम करता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड टू द कंज्यूमर, डिग्री ऑफ कस्टमर सर्विस ऑफर, तो किस हिसाब से आप कस्टमर के साथ ट्रीट करते हैं, कितना सामान पहुंचाने की जरूरत होता है। मिनिमम टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, तो मिनिमम आप हमेशा कोई भी इंडस्ट्री चाहता है जो डिस्ट्रीब्यूशन तो कॉस्ट को इन्वेंटरी कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए, तो मिनिमम टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। उसके बाद बेनिफिट क्या होता है, कोई भी वेयर हाउस की वजह से मैक्सिमम यूजेस हम कर सकते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी ऑर्गेनाइजेशन का अप टू 400% बढ़ जाता है, तो लेस लैंड, तो कम लैंड पे ज़्यादा रैक बना के आप सामान रख सकते हैं, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, 24/7 आप काम कर सकते हैं, एफिशिएंट फ्लो ऑफ मटेरियल, फ्लो ऑफ जो भी मटेरियल होता है एफिशिएंट रहता है, बफर स्टोरेज फंक्शन रहता है, तो रिस्क ऑफ हाजार्डस केमिकल या कोई एक्सीडेंट होने की चांस मिनिमम होता है, इन्वेंटरी एक्यूरेटली ट्रैक्टेड ऑल स्टेज, तो जो भी सामान है कितना आपका खपत हो रहा है तो एक्चुअली एग्जैक्ट फिगर हमें मिल सकता है, उसी हिसाब से जरूरत के हिसाब से हम सामान लेके वेयर हाउस में रख सकते हैं। लेकिन कुछ डिमेरिट भी है वेयर हाउसिंग के, तो वेयर हाउस की वजह से पोर्ट मार्केट कवरेज, बहुत ज़्यादा सामान कभी कभी रख देते हैं तो उसको खराब होने की चांस ज़्यादा रह जाता है, डिस्टेंट मार्केट डिमांड कभी कभी सही से फुलफिल नहीं कर पाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कभी कभी बहुत ज़्यादा बल्कि क्वांटिटी में बढ़ जाता है, मैटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट तो इस वजह से ज़्यादा बढ़ जाता है, ग्रेटर डेंजर ऑफ लॉस बाय फायर, कभी एक भी एक्सीडेंट या किसी वजह से कोई भी एक्सीडेंट की वजह से पूरा सप्लाई चेन रुक सकता है और पूरे के पूरे कंपनी का सामान हाईली डिटोरेट हो सकता है। तो इन्वेंटरी करने के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये भी एक ड्रॉबैक है। तो इसी तरीके से खैर जो भी बेनिफिट है वो ज़्यादा है रादर दैन डिमेरिट, तो मैक्सिमम मार्केट कवरेज, इंक्रीज सेल्स, ठीक है, तो इस तरीके से बेटर हम कंट्रोल कर सकते हैं, एफिशिएंट सेविंग आप कर सकते हैं, मैक्सिमम टाइम यूटिलिटी, टाइम को आप सेव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर स्टे विथ मी एंड स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड, थैंक यू।